राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा में दिल्ली सरकार द्वारा 1430 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह पूरा अस्पताल हाईटेक तकनीक के साथ बनाया जा रहा है और इसमें सभी बेड आईसीयू वाले होंगे। वह इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वे हेल्थ कार्ड जारी करने जा रहे हैं, जिसमें घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली जा सकेगी। वह सभी टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों संग मिलकर दौरा किया। शालीमार बाग के क्षेत्रीय विधायक वंदना कुमारी ने बताया कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, जो कि फरवरी माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करती है और ये इसका जीता जागता सबूत है। शालीमार बाग की जनता ने उन पर विश्वास कर उन्हें जिताकर भेजा, जिसका आभार स्वरूप वह इस तरह विकास कार्य क्षेत्र में करती रहेगी। 1430 बेड 1430 बेड्स का हॉस्पिटल का काम स्टार्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये हमारे 6834 बेड 6834 बेड्स हम पूरी दिल्ली के अंदर 7 हॉस्पिटल में बना रहे हैं। सारे के सारे बेड्स आईसीयू बेड होंगे, जिनको आईसीयू के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन का प्रोविजन होगा, मॉनिटर्स का प्रोविजन होगा। आईसीयू की तरह यूज़ करना है आईसीयू की तरह यूज़ कर सकते हैं, नॉन आईसीयू करना है नॉन आईसीयू कर सकते हैं। सारे हॉस्पिटल एयर कंडीशन होंगे, A1 होंगे। मैं आपको एक बात का, जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इसको हम कहते हैं मेट्रो क्लास। मेट्रो क्लास का मतलब कि भाई एयर कंडीशन होगी, शानदार होगी, पर प्राइवेट रूम नहीं होगा। फर्स्ट क्लास सर्विस मिलेगी आपको। प्राइवेट रूम चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, इलाज कराना है तो दिल्ली सरकार के अस्पताल में आइएगा। तो सारे हॉस्पिटल को शानदार बना रहे हैं और आने वाले 6 महीने में आप देखिएगा ये शानदार बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। सर, 6 महीने का समय लिया गया है, ऐसे में रुकावट भी आएंगी, पॉल्यूशन होगा, खुद दिल्ली सरकार की तरफ से काम में रोक लगा उसके लिए हम परमिशन मांगे, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सब कुछ जो बन के आएगा फैक्ट्री से बन के आएगा। हम कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं कि इसके लिए एग्जेम्पशन मिल जाए हमारे को। कारण क्या क्या है कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं करेंगे फाउंडेशन के बाद। फाउंडेशन साइट पर हो रही है और फाउंडेशन का भी 90% काम बाहर से होकर आ रहा है। स्टील कट के आ रहा है, स्टील बेंड होकर आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ कास्टिंग है। कंक्रीट भी बाहर से बन के आ रही है और आप देखेंगे कि इतना फास्ट काम कर रहा है, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है। और हम आशा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए खास तौर से जो हमारे 7 प्रोजेक्ट हैं उनकी एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी, तो उसको हम 7-6 महीने में तैयार कर देंगे। सर, हैदरपुर गांव के कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल का नाम हैदरपुर गांव होना चाहिए। अभी बाद में देखेंगे इसको। लोगों को कोरोना से बचा के रखे, सभी दिल्ली वासियों को कोरोना से बचा के रखे, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम लोग अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अभी जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तो सबसे ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है